हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 5, व्हाट मेक्स द लाइटनिंग, यानी जो बारिश के मौसम में जो ये जो बिजली होती है ये कैसे बनती है ये जानेंगे। इन द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड व्हेन द एनिमल्स फ्रैटर्नाइज्ड विद मैनकाइंड दे ट्राइड टू इम्यूलेट द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ मेन एंड दे स्पोक देयर लैंग्वेज। पहले के ज़माने में, पहले जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, तब जो एनिमल्स थे वो इंसानों के साथ यानी मैनकाइंड के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से रहते थे और ये सभी कोशिश करते थे कि इंसानी तौर तरीके जो हैं, उनके जो मैनर्स हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, उनको वो फॉलो कर पाएँ और उन्हीं की लैंग्वेज भी बोलते थे। मैनकाइंड हेल्ड अ ग्रेट फेस्टिवल एवरी 13 मून्स वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एंड द हैंडसमेस्ट यूथ्स डांस्ड स्वॉर्ड डांसेस। तो पहले के ज़माने में जब मैनकाइंड थे, जो इंसान थे, वो बहुत बड़े बड़े ग्रेट फेस्टिवल्स मनाया करते थे हर 13th मून को। 13th मून का मतलब हो गया 13वें चांद पे फेस्टिवल को मनाया करते थे, जहाँ पर जो वहाँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होते थे, जो हैंडसम जवान होते थे, है ना, वो सब डांस करते थे स्वॉर्ड डांसेस में। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, तलवार वाले तलवार लेकर के उनके साथ डांस किया करते थे। एंड कॉन्टेस्टेड इन आर्चरी, और आर्चरी यानी निशानेबाजी, तीरंदाजी जिसको बोलते हैं ना, तीरंदाजी में भी पार्टिसिपेट करते थे। एंड अदर नोबल गेम्स, और इनके अलावा दूसरे भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे, सच एज बी फिटेड देयर रेस एंड देयर ट्राइब एज men of the hills and forest, the oldest and the noblest of all the tribes। yani ye jo bhi tribes hote the, sabse purane wale jo noblest tribes hote the, ye sabhi jo hai अलग अलग तरह की races में participate किया करते थे, जो कि hills और forest के होते थे। The animals used to attend their festivals and enjoyed watching the games and the dances। जो animals होते थे इन festivals को attend करने आते थे और बहुत enjoy करते थे इनके games और इनके dances को। Some of the younger and more enterprising among them even clamored for a similar carnival for the animals, to which after a time the elders agreed। बहुत सारे young जो जानवर थे उन सभी ने कोशिश करी और उन्होंने चाहा कि हमारे लिए भी इसी तरह का, यानी एनिमल्स के लिए भी इसी तरह का कार्निवल होना चाहिए, यानी फेस्टिवल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कुछ टाइम बाद जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस बात के लिए राज़ी हो गए। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द एनिमल्स शुड अपॉइंट अ डे टू होल्ड अ ग्रेट फेस्ट। तो उसके बाद जो है ये डिसाइड हुआ कि जो एनिमल्स हैं वो भी अपने लिए ग्रेट फेस्ट मनाया करेंगे, अपना खुद का भी फेस्टिवल मनाया करेंगे। After a period of practicing dances and learning games, Yupathirt, the thunder giant, was sent out with his big drum to summon all the world टू द फेस्टिवल। कुछ समय जब सभी एनिमल्स ने प्रैक्टिस किए अपने डांसेस, अपने गेम्स को तैयार किया, है ना, फेस्टिवल में दिखाने के लिए हर चीज़ों को तैयार किया, जब पूरी तरीके से तैयारियां हो गई, उसके बाद यूपार्थार्ट, ये हैं यूपार्थार्ट जिनको बुलाया गया, जिनको थंडर जायंट भी बोला जाता है। थंडर माने जो गर्जन होती है, ठीक है, उसका जायंट माना जाता है, उसका बहुत विशाल काय थंडर जायंट माना जाता था इनको। जायंट का मतलब होता है विशाल काय, ठीक है, जो बहुत बड़ा होता है साइज़ में, तो थंडर जायंट बोला जाता था इनको। और इनको भेजा गया इनके बड़े ड्रम के साथ, इनके पास एक बहुत बड़ा सा ड्रम था जिसके मदद से इन्होंने सभी लोगों को समन किया फेस्टिवल में आने के लिए। समन का मतलब होता है इन्वाइट किया, उनको बताया कि सभी को आना है। अब ये ड्रम से क्या कर रहे हैं, ये ड्रम से ढोल पीट के बजा रहे हैं कि सबको फेस्टिवल में आना है। द ड्रम ऑफ यूपार्थार्ट वॉज द बिगेस्ट एंड द लाउडेस्ट ऑफ ऑल ड्रम्स एंड कुड बी हर्ड फ्रॉम द मोस्ट रिमोट कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। अभी जो यूपार्थार्ट का जो ड्रम था वो सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकलती थी इस ड्रम में से, और इस ड्रम की जो आवाज़ें थी वो फॉरेस्ट के हर कॉर्नर में सुनाई दे जाती थी। कॉन्सिक्वेंटली अ वेरी लार्ज मल्टीट्यूड केम टुगेदर सच
as had never before been seen at any festival. फिर जब ये ड्रमिंग करी यू पार्थाट ने, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत मल्टीट्यूड में, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग आए और उस फेस्टिवल को अटेंड किया, और इतने ज़्यादा लोग आए कि कभी इतने ज़्यादा क्वांटिटी में लोग कभी भी किसी भी फेस्टिवल में नहीं देखे गए थे. द एनिमल्स वर ऑल वेरी स्मार्टली एरेड, ईच वन आफ्टर हिज और हर ओन टेस्ट एंड fashion, and each one carrying some weapon of warfare or a musical instrument according to the part he intended to play in the festival. तो सभी जानवर जो थे वो बहुत स्मार्टली एरेड हुए थे, यानी तैयार हुए थे, ठीक है, और हर कोई अपना जो आउटफिट था उन्होंने अपने फैशन टेस्ट के हिसाब से पहना हुआ था. बहुत सारे एनिमल्स जो थे उन्होंने कई तरह के वेपन्स ले रखे थे, ठीक है, अपने जो भी उन्हें पार्टिसिपेट करना था उस तरह में जो भी चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट थी वो सब भी ले रखी थी. जैसे किसी ने वेपन्स ले रखे थे, यानी औजार ले रखे थे, किसी ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे थे, ठीक है, यानी जो भी वो पार्ट प्ले कर रहे थे उस तरह का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, और उसी तरह से उन्होंने अपने साथ प्रॉप्स रखे हुए थे, यानी वेपन्स या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने फेस्टिवल में के लिए रखे हुए थे. There was much amusement when the squirrel came up. जब squirrel आई तो बहुत ज़्यादा amusement, बहुत ज़्यादा सबको जो था बहुत ज़्यादा amuse हुए. Beating up a little drum as he marched. जब squirrel आया तो वो अपना जो drum था उसको बजाते हुए आया. In his wake came the little bird Shakilia. और जब स्क्वरल को सबने ढोल बजाते हुए देखा छोटा सा, तो एक लिटिल बर्ड थी जिसका नाम शाकिलिया था, वो भी आ गई, और उसने क्या बजाया, प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, ठीक है, शाकिलिया बर्ड ने बजाया फ्लूट, स्क्वरल ने बजाया ड्रम, फॉलोड बाय द पॉर्क्यूपाइन मार्चिंग टू द रिदम ऑफ अ पेयर ऑफ स्मॉल सिम्बल्स. और उसके बाद पहले तो आया स्क्वेरल, स्क्वेरल के बाद आया लिटिल बर्ड, आई शाकिलिया, और उसके बाद पॉर्क्यूपाइन आया जो कि नाचते हुए आ रहा था, चलते हुए आ रहा था, किसमें, रिदम ऑफ पेयर ऑफ स्मॉल सिबल्स. सिबल्स का मतलब क्या होता है, सिबल्स का मतलब होता है ताशे, जिसको बोलते हैं ताशे, यानी कि बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं उनको आपस में मारा जाता है, ठीक है, मेटल के प्लेट्स होते हैं उनको आपस में बजाया जाता है, ठीक है, तो उनको हम सिम्बल्स बोलते हैं. तो जो पॉर्क्यूपाइन था वो भी सिम्बल्स बजाते हुए, मार्च करते हुए, पैदल चलते हुए आ रहा था. एवरीवन वाज एक्सीडिंगली मेरी, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था. दे एन्जॉयड एंड पोक्ड फन एट वन अनदर, सभी बहुत ज़्यादा जोक कर रहे थे, एक दूसरे को पोक कर रहे थे, इन ग्रेट हैप्पीनेस, सभी खुशी से एक दूसरे को उसके साथ मज़े कर रहे थे. सम ऑफ द एनिमल्स लव्ड सो मच ऑन दैट फेस्ट डे दैट दे have never been able to laugh since. और बहुत से जानवरों ने तो इतना ज़्यादा हंसे थे वो लोग, वो सभी जानवर, इतना वो कभी किसी भी फेस्ट में नहीं हंसे होंगे. The mole was there. मोल एक तरह का जानवर होता है, वो भी वहाँ था. And on looking up, he saw the owl trying to dance, swing as if she was drunk. अब जो मोल था जब वो आया वहाँ पर, तो उसने ऊपर जब देखा तो उसने देखा कि जो आउल था वो डांस करने की कोशिश कर रहा था, और इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि वो ड्रंक है, जैसे उसने पी रखी है. एंड ट्रेम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाना, ट्रेम्बलिंग अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एज शी कुड नॉट सी वेयर शी वॉज गोइंग. और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो लड़खड़ा रहा है, ऐसे उसने पी रखी और लड़खड़ा रहा है, और सभी ऑब्स्टेकल्स है जो भी उसके बीच में जो भी चीज़ें पड़ रही थी उससे वो गिरता पड़ता संभलता हुआ वहाँ से चल रहा था. एट विच ही लाफ्ड सो हार्टली दैट हिज आइज बिकेम नैरो स्लिट्स एंड हैव रिमेन्ड सो टू दिस डे. और जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब वो जो मोल था वो इतना ज़्यादा आउल को देख करके हंस रहा था कि उसकी आँखें जो हैं हंसते हंसते बहुत पतली सी हो रह गई थी, और तब से लेकर आज तक भी वो उसकी जो आँखें हैं वो बहुत पतली सी रहती हैं, एकदम बंद टाइप की रहती हैं, एकदम नैरो स्लिट रहती है, ठीक है, आज तक भी उसकी आँखें इसी वजह से ऐसी हैं. When the merriment was at its height, you कोई the linux arrived on the scene.
जब फन जो था वो अपने सबसे ज़्यादा हाइट पे था, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे था, तब यूकुई, जिस जो कि एक लिनिंग्स है, लिनिंग्स क्या होते हैं, एक जंगली कैट्स होते हैं, ये यूकुई है, ठीक है। तो यूकुई जो है एक लिनिंग्स कैट है, तब वो आता है, ठीक है, सीन में। और क्या होता है, डिस्प्लेइंग अ वेरी हैंडसम सिल्वर स्वॉर्ड विच ही हैड प्रोक्योर्ड एट ग्रेट एक्सपेंसेस एक्सपेंस टू मेक अ शो एट दी फेस्टिवल। तो यू कोई अपने साथ क्या लेकर के आता है, एक बहुत सुंदर सी सिल्वर स्वॉर्ड, यानी सिल्वर कलर की तलवार लेकर के आता है, जो कि उसने खरीदी थी और उसको बहुत महंगी पड़ी थी, ठीक है। किस लिए लेकर के आता है, जिससे कि वो फेस्टिवल में एक शो दिखा पाए। व्हेन ही बिगैन टू डांस एंड टू ब्रैंडिश द सिल्वर स्वॉर्ड, एवरीबडी क्लैप इन एक्साइटमेंट। जब वो डांस करना शुरू करता है अपनी स्वॉर्ड के साथ, और अपनी स्वॉर्ड को भी नचाता है अपने साथ, तो हर कोई एक्साइटमेंट में क्लैपिंग करना शुरू कर देता है। ही रियली डांस्ड वेरी ग्रेसफुली, वो बहुत ग्रेसफुली डांस करता है। बट सो मच अप्रोबेशन टर्न्ड हिज हेड, पर इतनी ज़्यादा जो उसको वो मिली थी, क्या बोलते हैं उसको, अप्लॉड्स मिले थे, यानी उसको इतने ज़्यादा वो मिले थे, अप्लॉड्स मिले थे, जिसकी वजह से ही बिकेम वेरी एरोगेंट एंड बिगैन टू थिंक हिमसेल्फ बेटर देन ऑल हिज नेबर्स। जब उसे बहुत ज़्यादा अप्लॉड्स मिल गए, सबसे बहुत ज़्यादा वाहवाही मिल गई, अप्रोबेशन का मतलब होता है वाहवाही, ठीक है। जब उसको बहुत ज़्यादा सबसे वाहवाही मिली, तो वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब अड़ियल टाइप का हो गया कि मेरे को तो बहुत, मैं तो बहुत अच्छा डांस कर लेता हूँ, ये वो, तो वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है, ठीक है। और वो अपने आप को सोचने लगता है कि मैं तो अपने आस पड़ोसियों से भी बहुत अच्छा डांस करता हूँ। जस्ट देन यू पार्थर्ड द थंडर जाइंट हैपन टू लुक अराउंड एंड ही सॉ द परफॉर्मेंस ऑफ द लिनिक्स एंड एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ सिल्वर स्वॉर्ड एंड ही आस्क टू हैव द हैंडलिंग ऑफ इट फॉर अ शॉर्ट टाइम एज अ फेवर, सेइंग दैट ही वुड लाइक टू डांस अ लिटिल बट हैड ब्रॉट नो इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट हिज बिग ड्रम। तो यहाँ पर क्या होता है, तभी जो यू पार्थाइट है, जो कि थंडा जायंट था, वो वहाँ पर आता है, और वो एकदम से क्या देखता है, वो देखता है लिनिंग्स कैट की, जो लिनिंग्स है उसकी परफॉर्मेंस को देखता है, और उसको जो सिल्वर स्वॉर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है, ठीक है। और उसके बाद वो सिल्वर स्वॉर्ड को देखना चाहता होता है कुछ थोड़े से समय के लिए, मतलब लिनिंग्स कैट से बोलता है कि मेरे को ये तुम क्या थोड़ी देर के लिए यूज़ करने के लिए दे सकते हो, क्योंकि मैं भी इस स्वॉर्ड के साथ थोड़ी देर के लिए डांस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ एक बड़े से ड्रम के अलावा और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लाया हूँ। दिस वॉज नॉट एट ऑल टू यू कुईज लाइकिंग, पर यू कुई को ये जो चीज़ थी बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। फॉर ही डिड नॉट वॉन्ट एनी वन बट हिमसेल्फ टू हैंडल हिज फाइन वेपन, क्योंकि लिनिंग्स कैट जो था वो चाहता ही नहीं था कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो कोई और इस्तेमाल करे मेरे अलावा, इसलिए उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। बट ऑल द एनिमल्स बिगैन टू शाउट एज इफ विद वन वॉइस saying shame for showing such rudeness to a guest and specially to the guest by whose kind efforts the assembly had been summoned together. So ये जो बाकी सारे एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शेम शेम शेम, है ना, किसके ऊपर शेम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यू कुई के ऊपर, क्योंकि यू कुई जो था वो उसको अपनी जो स्वॉर्ड थी वो नहीं दे रहा था, और ऐसा सब इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि सभी एनिमल्स को लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा रूड, इतना ज़्यादा बेकार तरीके से कैसे किसी के साथ बिहेव कर सकता है, जो कि एक गेस्ट है, और वो भी ऐसा गेस्ट है जिसकी वजह से आज वो सभी के सभी वहाँ पर मौजूद हैं इतने बड़े फेस्ट में, है ना। तो इसीलिए सब यू कुई के ऊपर शेम शेम चिल्लाने लगते हैं। सो यू कुई वॉज ड्राइविन टू गिव अप हिज सिल्वर स्वॉर्ड, तो जो यू कुई होता है उसको बेचारे को अपनी जो सिल्वर स्वॉर्ड होती है वो यू पार्थाट को देनी पड़ती है। एज सून एज ए यू पार्थाट गॉड पोजिशन ऑफ द स्वॉर्ड ही बिगैन टू वील्ड इट विद सच रैपिडिटी एंड फोर्स दैट इट फ्लैश्ड लाइक अ लीपिंग फ्लेम। जैसे ही यू पार्थाट को स्वॉर्ड मिलती है वो शुरू कर देता है बिल्कुल मस्त तरीके से नाचना, बिल्कुल तेज़ी से अपना सारे कर्तव्य जो हो रहे होते हैं वो सभी कर्तव्यों को दिखा रहा होता है, बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे तरीके से स्वॉर्ड को भी इस्तेमाल कर रहा होता है, और इतनी फोर्स से इस्तेमाल कर रहा होता है स्वॉर्ड को कि उसमें से बहुत ज़्यादा चमकीली रोशनी निकलने लगती है, टिल ऑल दी आईज वर डैजल्ड ऑलमोस्ट टू ब्लाइंडनेस, यानी तब तक कर्तव्य करता रहता है जब तक कि
मतलब इतनी ज़्यादा फ्लेम्स ना निकलने लगे कि जब तक सभी लोगों को कि जो आँखें हैं बिल्कुल मतलब एकदम जगमगा ना जाए, ठीक है, एकदम सफ़ेद ना हो जाए सबकी आँखें ना, ज़्यादा जब जगमगा जाता है सब कुछ तो एकदम सब सफ़ेद लगने लगता है, अंधा जैसा फील होने लगता है ना, तो वैसे ही वो करता हुए दिखा रहा था। एंड एट द सेम टाइम ही स्टार्टेड टू बीट ऑन हिज बिग ड्रम, और साथ ही साथ वो अपने जो बड़ा सा जो ड्रम लेके आया था उसको भी साथ में बजाने लगता है विथ सच वायलेंस दैट द अर्थ शुक एंड ट्रेम्बल्ड एंड द एनिमल्स फ्लेड इन टेरर टू हाइड इन द जंगल। मतलब वो ड्रम को भी इतनी तेज़ी से साथ में बजाने लगता है कि जो अर्थ होती है वो बहुत ज़्यादा हिलने लगती है, ठीक है, शेक करने लगती है, और जो एनिमल्स होते हैं डर के मारे जंगलों के अंदर छिप जाते हैं। ड्यूरिंग द कन्फ्यूजन यू पार्थर लीप्ड टू द स्काई टेकिंग द लिनिक्स सिल्वर स्वॉर्ड विद हिम। अब इस दौरान क्या होता है, जो यू पार्थर्ड होता है वो लीप करता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई जंप लगाता है आसमान की तरफ, और जंप लगाते के साथ ही वो जो लिनिक्स कैट की सिल्वर स्वॉर्ड थी अपने साथ ले जाता है। ही इज़ फ्रीक्वेंटली सीन ब्रैंडिशिंग इट वाइल्डली देयर एंड बीटिंग लाउडली ऑन हिज ड्रम। वो वहाँ से आसमान में भी वो दिखाई दे रहा होता है बहुत ज़्यादा शेक करते हुए अपने जो स्वॉर्ड है उसको और ड्रम को बजाते हुए वो देखा जा सकता था। इन मैनी कंट्रीज़ पीपल कॉल दीज मैनिफेस्टेशंस थंडर एंड लाइटनिंग। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये जो भी आवाज़ें हैं, जो लाइटनिंग है, जो जो आवाज़ें आ रही हैं ड्रम की और जो रोशनी दिख रही है तलवार की, है ना, इन सभी को, इन दोनों ही चीज़ों को बहुत सारी कंट्रीज़ में थंडर और लाइटनिंग के नाम से भी जाना जाता है। बट द एंशियंट खासीज हु वर प्रेजेंट एट द फेस्टिवल न्यू देम टू बी द स्टोलन स्वॉर्ड ऑफ लिनिंग्स। पर जो भी पुराने ज़माने के जो खासीज हैं, वो खासीज जो हैं वो सभी जानते हैं कि ये जो थंडर और लाइटनिंग हो रही है, ये वो जो चुराई हुई स्वॉर्ड थी जो यू पार्थाट ने यू कुई से चुराई थी, ये उसी स्वॉर्ड से और ड्रम उसी स्वॉर्ड से ये रोशनी निकल रही है। यू कुई वॉज वेरी डिसकन्सोलेट एंड हैज़ नेवर ग्रोन रिकनसाइल्ड टू हिज लॉस। जो यू कुई था वो बहुत ज़्यादा, उसको मतलब कोई कंफर्ट ही नहीं कर पा रहा था, और वो तब से लेकर आज तक अपने दुख से उभर नहीं पाया है। इट इज़ सेड ऑफ हिम दैट ही हैज़ नेवर वैंडर्ड फार फ्रॉम होम सिंस देन। और आज भी ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि उसके बाद से यू कोई जो था वो अपने घर से ज़्यादा दूर कहीं पर भी नहीं जाता है। इन ऑर्डर टू लिव नियर अ माउंट ही इज ट्राइंग टू रेज विच ही होप्स विल वन डे रीच द स्काई। क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि एक ना एक दिन जो है वो ऊंचाइयों पे पहुंचेगा और आसमान में पहुंच जाएगा। ही होप्स टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ इट टू ओवरटेक द जायंट यूपार्थर्ड एंड टू सीज वंस मोर हिज सिल्वर स्वॉर्ड। वो चाहता है कि एक ना एक दिन वो जो है क्लाइम करेगा आसमान की तरफ और यूपार्थर्ड के पास पहुंचेगा, उसको ओवरटेक करेगा और उससे अपने जो सिल्वर स्वॉर्ड है उसको वापस से हासिल कर लेगा। स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का एंड। तो इस चैप्टर में जो लाइटनिंग और थंडर क्या हैं, लाइटनिंग और जो थंडर हैं वो यू पार्थाइट के जो स्वॉर्ड है और जो उसका ड्रम है उसी की आवाज़ें हैं। स्वॉर्ड से निकल रही है लाइटनिंग और ड्रम से निकल रही है थंडर, ठीक है। तो और इन सबको ही लाइटनिंग और थंडर बोला जाता है जो भी यू पार्थाइट निकाल रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम इस चैप्टर के चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। What did animals do in the early days of the world? Animals क्या करते थे जब दुनिया की शुरुआत हुई थी? They fraternized with the mankind. क्या वो mankind के साथ मिलजुल कर रहते थे? They spoke the language of humans. वो इंसानी भाषा भी बोलते थे. They copied the manners and customs of humans. क्या वो सभी manners और customs को भी copy करते थे humans की? हाँ, ये सारी ही बातें सही हैं. तो इसका आंसर हो गया all of the above. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। आप सभी इस आंसर को टिक कर सकते हैं।
एट वॉट इंटरवल डिड मैनकाइंड होल्ड अ ग्रेट फेस्टिवल, कितने समय बाद जो मैनकाइंड होता था ग्रेट फेस्टिवल करता था, एवरी 13 मून्स, एवरी 14 मून्स, एवरी 15 मून्स या एवरी 16 मून्स? तो कब करता था? एवरी 13 मून्स, ठीक है, हर 13th मून बाद वो ये फेस्टिवल को करते थे. आइए अब नीचे चलते हैं. वॉट डिड द मोर एंटरप्राइजिंग एनिमल्स डिमांड फॉर? तो जो एनिमल्स थे वो क्या डिमांड कर रहे थे? दे आस्क फॉर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. क्या वो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस को डिमांड कर रहे थे? दे आस्क फॉर बेटर फूड टू बी सर्व एट फेस्टिवल्स. क्या वो ज़्यादा अच्छा बेहतरीन खाना खाना चाहते थे त्योहारों के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे? दे आस्क फॉर अ सिमिलर फेस्टिवल फॉर एनिमल्स. क्या वो सिमिलर फेस्टिवल पाना चाहते थे एनिमल्स के लिए? या फिर दे आस्क फॉर बिगर रोल्स इन एनिमल काउंसिल, या फिर वो बड़े बड़े रोल्स पाना चाहते थे एनिमल काउंसिल में. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कि दे आस्क फॉर सिमिलर फेस्टिवल फॉर एनिमल्स, यानी कि वो भी जैसे इंसान फेस्टिवल्स मना रहे थे उसी तरह के सेम फेस्टिवल्स वो भी मनाना चाहते थे. Which weapon was यू कुई द लिनिंग्स कैरिंग, यानी जो यू कुई जो कि एक लिनिंग्स कैट था वो क्या अपने साथ कौन सा वेपन कैरी करा था? एक चाकू कैरी करा था, अ नाइफ, अ स्वॉर्ड यानी एक तलवार, एक स्पेयर कैरी करा था या फिर एक एक्स कैरी कर रहा था? तो वो एक कैरी करा था एक तलवार को. तो स्टूडेंट्स ये हो गए इस चैप्टर के सभी चूज द करेक्ट आंसर्स. अब यहाँ से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मैनकाइंड डू एवरी 13 मून्स? एवरी 13 मून्स मैनकाइंड क्या करते थे? मैनकाइंड हेल्ड अ ग्रेट फेस्टिवल एवरी 13 मून्स वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एंड द हैंडसमेस्ट यूथ्स डांस्ड स्वॉर्ड डांसेस एंड कॉन्टेस्टेड इन आर्चरी एंड अदर नोबल गेम्स. यानी कि यहाँ पर जो हर 13th मून्स में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होते थे और जो हैंडसमेस्ट यूथ होते थे वो ग्रेट फेस्टिवल्स में डांस करते थे, जिनमें स्वॉर्ड डांस करते थे वो लोग, और बहुत सारे आर्चरी गेम्स और अदर गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते थे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द एनिमल्स डिसाइड टू होल्ड अ Why did the animals decide to hold a great fest? The animals decided to hold a great fest because they wanted to have a carnival similar to the one held by mankind and enjoy their own games and dances. यानी यहाँ पर animals चाहते थे, वो इन्होंने ऐसा decide इसलिए किया क्योंकि उन्हें भी बिल्कुल humans जैसा ही carnival चाहिए था अपने लिए, जिसमें वो लोग enjoy कर पाएँ अपने खुद के games और अपने खुद के dances को perform कर पाएँ. Who was Parthat? What was he sent out to do? Parthat कौन था और उसको किस लिए भेजा गया था? Parthat was the thunder giant. वो एक thunder giant था. Who was sent out with his big drum to summon all the animals to the festival? जो कि एक thunder giant था उसको उसके बड़े से drum के साथ भेजा गया था सभी animals को invite करने के लिए great festival में, ठीक है. Question number 4. Describe some of the animals who came for the festival. Some of the animals who came for the festivals were the squirrel. Squirrel आया था carrying a little drum, ठीक है, little drum लेकर के आया था. Bird Shakelia playing a flute, जो bird Shakelia था वो flute लेकर के आई थी. Porcupine marching with small symbol, जो porcupine था वो छोटा सा symbol लेकर के आया था. They were all smartly arrayed according to their own taste and fashion, और वो सभी बहुत smartly तैयार होकर के आए थे उनके taste और उनके fashion के हिसाब से. Describe Yukui's dance. What did it lead to? Yukui का dance कैसा था उसको बताना है हमें, describe करना है और इसकी वजह से क्या हुआ था. Yukui The Linnings displayed a very handsome silver sword and danced gracefully. Yukui ने बहुत बहुत सुंदर सी silver sword ले रखी थी, उसको उसके साथ करते हुए दिखा रहा था और बहुत gracefully dance भी कर रहा था. हालांकि he became arrogant and thought himself better than others due to the applause he received. तो इसके ऐसा करने की वजह से क्या हुआ था, सभी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा clapping भी करी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा arrogant हो गया था और अपने आप को दूसरे लोगों से better समझने लगा था. What did यू Parthat do when he got Yukui's silver sword? तो जब यू Parthat को जब Yukui की silver sword मिली तो उसने उसके साथ क्या किया?
You, Parthat, impressed by Yuko's dance and his silver sword, asked to have the handling of it for a short time. कुछ देर के लिए उसका जो sword था वो मांगा. When he got possession of the sword, he wielded it with great force and beat on his big drum violently. जब उसे वो sword मिल गई तो उसके साथ उसने बहुत फोर्स के साथ उसको यूज़ करना शुरू किया, कर्तव्य दिखाना शुरू किया और अपने ड्रम को भी बहुत तेज़ी से मारने लगा, मतलब पीटने लगा, ढोल बजाने लगा, कॉजिंग टेरर अमंग्स द एनिमल. और जिसकी वजह से जो जानवर थे उनमें बहुत ज़्यादा डर बन गया. क्यों बन गया? क्योंकि जो अर्थ थी वो सब शेक करने लगी थी. ही देन लीप टू द स्काई टेकिंग द स्टोलन सिल्वर स्वॉर्ड विद हिम. और उसके बाद वो जो यूपार्थाट था वो आसमान की तरफ कूदा और अपने साथ जो यूकपी की जो स्वॉर्ड थी उसको भी लेके चला गया. सॉरी. व्हाट इज़ नोन एज थंडर एंड लाइटनिंग इन मैनी कंट्रीज़. तो थंडर और लाइटनिंग को बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या बोला जाता है? मैनिफेस्टेशंस नोन एज थंडर एंड लाइटनिंग इन मैनी कंट्रीज़ आर एक्चुअली द स्टोलन सिल्वर स्वॉर्ड ऑफ द लिनिंग्स बींग ब्रांडाइज्ड वायलेंटली बाय यूपार्थाइट द थंडर जायंट इन द स्काई. यानी कि ये जो भी थंडर लाइटनिंग की जो भी आवाज़ें सुनाई देती हैं वो किसकी हैं? वो एक्चुअली में यूपार्थाइट की वो हैं, लिनिंग्स स्वॉर्ड को लेकर के ब्रांडिश करता है, उसी की ये नॉइसेस हैं. आरटीसी करेंगे अब इसके. द ड्रम ऑफ यूपार्थाइट वॉज द बिगेस्ट एंड द लाउडेस्ट ऑफ ऑल ड्रम्स एंड कुड बी हर्ड फ्रॉम मोस्ट रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द फॉरेस्ट. हु इज़ यूपार्थाइट? यूपार्थाइट कौन था? वो एक थंडर जायंट था मैंशनड इन द टेक्स्ट. यूपार्थाइट इज़ द थंडर जायंट मैंशनड इन द टेक्स्ट. वाई इज़ यूपार्थाइट्स ड्रम बींग रेफर्ड टू हियर? यहाँ पर यूपार्थाइट का ड्रम क्यों रेफर किया जा रहा है? यूपार्थाइट्स ड्रम इज बींग रेफर्ड टू हियर बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइब एज द बिगेस्ट एंड द लाउडेस्ट ऑफ ऑल ड्रम्स विच कैन बी हर्ड फ्रॉम द मोस्ट रिमोट कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट. वॉट हैपन्स आफ्टर दिस? आफ्टर यूपार्थाइट बिगिन्स टू वील्ड द सिल्वर स्वॉर्ड एंड बीट ऑन हिज ड्रम विद ग्रेट फोर्स कॉजिंग द अर्थ टू शेक एंड ट्रम्बल द एनिमल्स फ्ली इन टेरर टू हाइड इन द जंगल. नेक्स्ट. This was not at all Yuko's liking, for he did not want anyone but himself to handle his fine weapon. But all the animals began to shout as if with one voice, saying, "Shame!" What was not to Yuko's liking? Yuko did not like the fact that someone else wanted to handle his fine weapon, the silver sword. Who was asking for Yuko's weapon and why? Yuparthite was asking for Yuko's weapon as he wanted to dance a little at the festival and did not have any instrument except his big drum. What happened as a result of shouting? As a result of the animal shouting and saying shame to Yukui for not allowing Yuparthite to borrow his weapon, Yukui is compelled to yield up his silver sword. Think and answer. Why do you think the animals wanted a festival of their own? What could be the possible reason? The possible reason for the animals wanting a festival of their own could be that they enjoyed watching the festivals held by the mankind and wanted to emulate their manners and customs. They wanted to have their own celebration and showcase their own skills and talents. Yuparthat seems to be a sensible person. Would you agree with the statement why or why not? It is not explicitly mentioned in the text whether Yuparthite is a sensible person or not. However, he is depicted as a thunder giant who wields great power and causes fear among the animals when he starts wielding the silver sword and beating on his drum violently. Write a few lines about Yukui. Do you think he is wasting his time trying to raise a mound
that he hopes will reach the sky one day. Yukui is a lynx who displays a handsome silver sword at the festival. He becomes arrogant and thinks highly of himself due to the applause he receives for his dance. He is disconsolate when Yupatide takes his silver sword and has since never grown inconsolable to his loss. He is depicted as someone who is determined to reclaim his sword and is trying to raise a mount to reach the sky. Whether it is a waste of time or not is subjective and open to interpretation. What did you learn from the from this folk tale? From this folk tale, we can learn about the importance of humility and not becoming arrogant or self-centered. It also teaches us about the consequences of not showing respect and kindness to others. As Yukui's refusal to lend his weapon to Yupatide leads to the loss of his silver sword. Additionally, the tale emphasizes the power and the force of nature, as Yupatide's thunder and lightning are attributed to him wielding the stolen sword in the sky. Students, this is the end of this chapter. I hope you all have written the question answers of this chapter now. So if you like this video, please share it with all your friends and do watch the other videos as well. Thank you so much.